हौसलों तो कुर्बान जाइए। आप रज़ी अल्लाह तआला जो अपने पुत्र वेख्या ना खड़ी होके सीने नाल लाया, सीने नाल ला के ना काफी देर तक खलोतियां रही, पुत्र मां दे सीने ला के खलोता रहा। कहन लगे भी पुत्रा तू मेरी कली कली औलाद, अज करबला दा मैदान है, तेरे चाचे हुसैन से औखा वेला है, ते मेरी लाज रखी। की रखी? उम्मे फरवा रदी अल्लाह तआला नूं कहन लगी कि पुत्रा मेरी लाज रखी। जो तो इन्हें गल की ना हाथ जोड़ के ना पिछा होके खलो के अर्ज की, अम्मा जी किवें लाज रखनी आ। जड़ वेले आप रदी अल्लाह तआला ने इन्नी गल की, मां पुछदियां ने वे पुत्रा मेरी लाज रख के आनी आ। अर्ज की नी अम्मा मैं लाज किवें रखनी है? आपने फरमाया पुत्रा जिन्ने भी करबला दे अंदर गए ने, वेख हजरत होर भी शहीद हो गए, वेख हबीब इब्ने मुजाहिर ने भी शहादत दिती आ, वेख अब्दुल्ला बिन वहाब कलमी रदी अल्लाह ताला उन्होंने भी शहादत दिती, हुण तू भी शहादत देन चले आए, मेरी लाज इहदे च रवेगी। पुत्रा तेनू जिन्ने भी तीर वजन अपनी जुबान चो हाए नहीं हो करनी, तेनू जिन्ने भी नेजे वजन अपनी जुबान ते शिकवा नहीं हो करना। वे पुत्रा अपनी मां दी लाजां रखी, कल कयामत दा वेला आएगा, मैं भी तेरे नाने दी बारगाह च आखांगी कमली वालिया, मैं भी अपना पुत्र शहीद कराया, तेरे बाप दे नाल हसन दे नाल मुलाकात होएगी। मैनू कह गए सन के उम्मे फरवा कल कयामत दे दिहाड़े मेरा वीर हसन कल्ला होएगा, मैं तू हाडे नाल नहीं होना, मेरे वीर हसन नू कल्ला ना छड़िया जे, मेरे पुत्र कासम दी शहादत दिया जे। पुत्र आया जी ओ वेला आ गया, जा जल्दी नाल करबला चला जा, जदों तू वापस आएगा एक भी तीर तेरी कंड ते लगे ना, एक भी परछी तेरी कंड ते ना लगे, एक भी तलवार दा निशान तेरी कंड ते ना लगे। अर्ज की अम्मा मैं लाजां किवें रखनियां नी? फरमान लगी पुत्रा जिन्ने भी तीर खाने सारे सीने ते खा के आना। फरमान लगे पुत्रा जिन्ने भी तीर वजन कंड करके कूफिया नू ना दौड़ी, तू अली दे पुत्र दा लाल है, अली दे पुत्र दा शेर है, तू ते कंड करके ना दौड़ी, जिन्ने भी तीर वजन सारे सीने ते खा के आवी। ए मां अपने पुत्र नू हौसला पई देंदी है, ते पुत्र कहन लगा मां अज तू अपने पुत्र दियां जानियां वेखी, क्यामत तक समाना याद करेगा कि किसे भतीजे ने अपने चाचे तो जान वारी आ। सारी जिंदगी दुनिया याद करेगी कि वफा दे पैकर जे भतीजे होण ते चाचियां दे वाल वींगा नहीं हो सकदा। अम्मा मैनू इजाजत दे। जदों इन्नी गल कीती ना ते मां ने मत्था चुमिया, मत्था चुम के ते करबला वल टोरिया, जान लगा इमाम हुसैन दे खेमे च आए ना, आके अर्ज कीती सोहणिया जिंदगी च कोई गलती कुताई होई होवे ते माफी दे आ जे, हुण मैं करबला च चला ते मैं वेखना मेरे होंदे मेरे चाचे वल केड़ा वेखदा है। किसे दी की जुर्रत है कि जिस चाचे दा एडा शेर भतीजा जिंदा होवे ते उस चाचे वल कोई अख चुक के वेख लवे। इमामे कासम रदी अल्लाह तआला नूं घोड़े ते सवार होए, तलवार हाथ च फड़ी, पुत्र दा अली दे पुत्र दा सी ना, और एडा सोहना नौजवान। मुफसरीन इकराम लिखते हैं कि जो इमाम कासम रदी अल्लाह तआला अनु ने इन्हां कूफियां ने वेखे ना, तो वेखते रह गए। चंद नौजवान सन, चंद नौजवान जो इमाम कासम ये इमाम अली अकबर आए सन ना मैदान च, उदों भी शिमर कहन लगा भी तीर नहीं चलांदे, कहन लगा दुश्मनी अपनी जगह एक बार रज के वेख तो लैण दे, एक बार रज के वेख तो लैण दे। एडे सोहणे सन अली दे लाल। जो तो इमाम कासम घोड़े ते सवार होके मैदान करबला च आए ना, ते आपने नारा मारिया, फरमान लगे कि ओ कूफियो है कोई तुहाडे च दलेर जिहड़ा अली दे पोतरे दा मुकाबला करे? जो तो आपने नारा मारा ना, ते एक बंदा सी जिहड़ा बहुत ताकत और इन्नी ताकत सी कि 1000 बंदे दी ताकत कल्ला रखदा सी,
इन्नी ताकत सी इस कूफी दे अंदर। इन्हें अपने चार पुत्र लैके सामने आया। किन्ने पुत्र लैके? पुत्रां नूं कहण लगा भी ओ एक के तुसी चार जे ते मैं बड़ा वड्डा रुस्तम है, 1000 बंदे दे नाल कल्ला मुकाबला करने वाला। ते अली दे पोतरे दी की जुर्रत है? ओनू नहीं सी ना पता कि अली तां अली है। जिहड़े वेले इहदा एक पुत्र सामने आया ना, ते इमाम कासम मुस्कुरा पए। ये डरते कदों ने किसी तो? इमाम कासम रज़ी अल्लाह तआला मुस्कुरा पए। वह सामने आ गए, उन्हें बड़िया छाला छुला मारियां। मैं इंज कर देंगा, मैं ये कर देंगे। इमाम कासम कह लगे खलो तो सही। इमाम कासम ने फरमाया खलो तो सही। वह ना मुड़ा। इमाम कासम ने इको वार किया, उनका सिर तन नालों जुदा कर दिता। तो उनके प्यो ने आवाज मारी कि इनू कल्या इनकी तो वाह नाली धून कट्टी गई, मैं तो हाले इशारे ही नहीं किया। उन्हें दूसरा भेजा अपना पुत्र। जिहड़े वेले दूसरा पुत्र आया ना, आप रज़ी अल्लाह तआला फिर तलवार दा वार कीता, दूसरे नूं भी वासले जहन्नम कीता। जिहड़े वेले आप रज़ी अल्लाह तआला नूं दी बारगह च तीसरा जालिम आया, आपने तीसरी तलवार दा वार कीता, वार करके तीसरे नूं भी मार दिता। जिहड़े वेले तीसरा भी मर गया, चौथा पुत्र भी उन्हें भेज दिता। जिहड़े वेले चौथा पुत्र आया, आपने चौथे नूं भी मार दिता। हुण इस जालिम नूं बड़ा जलाल आया, कहन लगा मैं 1000 बंदे नाल लड़न वाला वा। अली दे एक पोतरे ने मेरे चार पुत्र मार दिते नी, हुण मैं अली दे पोतरे नाल आप मुकाबला करांगा। इस जालिम नूं नहीं सी पता कि मैं जिते मुकाबले च हुण आया वा। इहदे दादे नूं सारा जमाना शेर अली आखदा शेरे खुदा कहंदे। ए उंदा पुत्र मैदान च आए, जड़े वेले इन्नी गल कीती, ए यहूदी भी जल्दी नाल कूफी भी जल्दी नाल आया। इमाम कासम इहनूं वेख के मुस्कुरा पए ने, मुस्कुरा के फरमान लगे जरा ठहर जा, जरा ठहर जा, एक करीब आके खलोता है। इमाम कासम ने एक तलवार दा वार कीता, सिर तो लैके कदमा तक दो टोटे कर दिते ने। एक तलवार दा वार कीता, 1000 बंदे नाल लड़न वाला सी। ते इमाम कासम ने एक तलवार दा वार इंज मारी सिर चो, दो टोटे कर दिते, सारे जिस्म दे दो टोटे कर दिते। कूफियां नूं थरथली मच गई कि साढ़े पूरे कूफियां च यो बंदा सी जिन्हों एक जड़ा 1000 बंदे नाल लड़दा रहे। ते अली दा पोतर ही ना काबू आया। इधर फिर शिमर लानदी ने आवाज मारी, उन्हें कहा भी अगे तो सानू गुलाम, हुण तो अली दे लाल टुर पे ने, गुलाम ही ना काबू आए साढ़े कोल, ते अली दे लाल नूं कौन काबू कर सकदा। जदों इन्नी गल कीती ना, ते इमाम कासम फिर मुस्कुराए। इन्हां दे मुस्कुराण तो कुर्बान जाइए, चार छफेरे दुश्मनां दा हजूम है, ते ए मुस्कुरा रहे ने, ए खुशियां मना रहे ने, क्योंकि इन्हां नूं पता सी कि अज रब ने साडा इम्तिहान लिया, ते असीं कामयाबी वल पे टुरने आ, असीं कामयाबी वल जा रहे हां। सानू परेशानी नहीं, परेशानी उन्हां लोकां नूं सी जिहड़े दौलत दे नशे दे विच आ के इन्हां दे मुकाबले च आए। जदों इन्नी गल कीती ना, कूफियां ने तीर मारे, ते इमाम कासम ने घोड़ा जदों इन्हां वल दौड़ाया, जिहड़े खलोते सन उन्हां दीआं दौड़ां लग गईआं। जिहड़े वेले इमाम कासम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो घोड़ा दौड़ाया, इन्हां सारे कूफियां दीआं लग दौड़ां गईआं ने। ए अगे अगे दौड़दे ने, इमाम कासम पिछे पे दौड़दे ने, बड़ी देर तक आप कूफियां नाल लड़दे रहे। आखिरकार एक कूफी ने दूरों तीर मारिया, इमाम कासम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आके लगा, आपने जड़े वेले तीर लगा, फिर दूसरा तीर मारिया है। इन सालिमा ने एक बार तीर की बारिश कर दी, आप दे सीने दे बड़े जख्म आए ने। पर भाई अली दिया पोतरिया, अपनी मां की वसीयत याद रखी, जिन्हें भी जख्म आए सीने दे आए ने, कंड ते एक तीर भी लगन दिता नहीं, कंड ते एक तीर नहीं लगन दिता।
जिधरों तीर आंदे सन उधर सीना करके खलो जाते सन, जिधरों जालम तलवार मारते सन सीना करके खलो जाते सन। जदों आप नूं काफी जख्म लग गए ना, फिर अपने चाचे नूं आवाज मारी अपने भतीजे नूं संभाल ले चाचा मैं टुर चलिया वा, चाचा मैं अपनी जान तेरे कदमां तों निछावर कर दित्ती आ, चाचा वेख तेरा कसम घोड़े तो डिगन लगे, चाचा वेख तेरे कसम नूं तीर लगे ने, चाचा चाचा कह के कसम नजर ते कसम पे आवाजा मार दे ने। इमाम अली मुकाम ने अपने खेमे चो घोड़ा कढ़िया है, कूफिया नूं जड़े वेले आपने ललकार मारी, सारिया ने मैदान छड़ दिता, इमाम कसम कोलो भी दौड़ गए ने। इमाम अली मुकाम ने आके अपने भतीजे नूं जफा मारिया, जफा मार के फरमांदे ने पुत्रा अज भतीजा आउण दा करबला ने अंदर हक अदा कीता ही। अर्ज कीती चाचा कयामत तक जमाना याद करेगा कि अपने चाचे तो भतीजे ने जान वारी सी। चाचा कयामत तक समाना याद करेगा कि अपने चाचे तो भतीजे ने जान वार दिती। सोनिया मेरी कुर्बानी कबूल करया जी, मैं इत्थों तक लड़ सकना सा, अल्लाह मैनू होर सांह देंदा ना ते मैं कयामत तक लड़दा रहिंदा, लेकिन मेरी कुर्बानी कबूल कर लिया जे। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने चुक के सीने नाल लाया, मत्था चुम के ते खेमे च लिया के ना उम्मे फरवा रजी अल्लाह तआला दी बारगाह च रख दिता और कहन लगे भरजाई तुसा मेरे वीर दी निशानी नूं मेरे कदमां तों कुर्बान कीता है, कयामत तक जमाना इहदे नाल नाल तुहानूं भी याद रखेगा कि वह माँ भी कमाल माँ सी जिन्हें अपने शोहर की लाज रखी ते अपना पुत्र अपने देवर के कदमों तो वार दिता। अल्लाह तबारक व तआला सानू सारयां नूं अपने बच्चों नूं अपने चाचियां दी अपने तायां दी अपने हमसायां दी कदर सिखाने की तौफीक अता फरमाए। देखो बच्चे उदों सीखते हैं जदों माँ प्यो सिखाए। अगर बच्चे नूं दसांगे ना ना कि पुत्र गवांडी साडा चाचा लगता है कि ताया लगता है, उन्होंने बचेरिया ने फिर बाजुकात कई ना लैके पुकारते हैं, कई चाचा कह लेंगे ने लगता भरा है, कई चाचा बोलते हैं, कई भरा लगते हैं चाचा, कई चाचे भरा, कई ताए नूं मामा मामे नूं ताया। ये वालदेयां दा हक है कि जो औलाद बोलन लग जाए उन्होंने रिश्तियां की पहचान कराओ। घर च जिहड़े अफराद ने बच्चे नूं दसो पुत्र यह तेरा ताया लगता है, यह चाचा लगता है, इन्हों का अदब भी सिखाओ। पुत्र जे चाचा तेरा तेन गुस्से हो भी लवे ना तो अगो तू नाराज नहीं होना, जे चाचा तेन चाट मार भी लवे तो तू अगो बोलना नहीं, जे तेरा चाचा तेन मारे तो तू अगो उफ नहीं करनी। पुत्रा यही तेरा साया है, यही तेरे अपने ने, इन्हें तेन पालना है। जो तो माँ कहते हैं कि पुत्र सिर्फ प्यो का कहना मनना दूसरे कुछ ना की फिर पुत्र ना फरमान दूसरा तो नहीं अपना बनता है, ये फिर चाचा का बेअदब नहीं बनता, ये प्यो का बेअदब बनता है। अल्लाह तबारक व तआला सानू अपने पुत्रां दी शरीयत के मुताबिक तरबीत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला सानू इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु दे कदमों तो अपनी जाना भी वारन की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिन्होंने सुनता पढ़ने सुनता पढ़ना।